बता दें कि नगर निगम के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SBI शाखा के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। SBI के 100 वर्ष नवरात्रि के दिन पूरे हुए हैं। SBI गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। 2014 के बाद से बैंकिंग में तेजी आई है। वहीं बैंक की शानदार यात्रा के लिए उन्हें बधाई भी दी है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अब गोरखपुर में उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं, योजनाओं के साथ ही युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। याद करिए 100 वर्ष की यात्रा। 1920 में जब गोरखपुर में बैंक नहीं था और जब 23 में गोरखपुर में भारतीय इंपीरियल बैंक की ब्रांच खुली थी, जो आज स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच है, याद करिए तब गोरखपुर की कुल आबादी 50,000 से कम थी। आज इसी शहर में लगभग 15 से लेकर 20 लाख आबादी तो केवल इसी शहर के अंदर रह रही है, नगर निगम के दायरे में रह रही है। और जिले के अंदर की अगर आप बात करेंगे, यह संख्या बढ़ करके लगभग 70 लाख तक पहुंचती है। इतनी बड़ी आबादी, कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी और कितनी तेजी के साथ उद्योग धंधे गोरखपुर में बढ़ते हुए गए। पहले यहां पर उद्योग के नाम पर केवल चीनी मिल्स हुआ करती थी। सहजनवा में जूट मिल मस्करा जी ने स्थापित की थी, लेकिन आज आपने देखा होगा गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। कहीं पे कैलेंट लग रहा है, कहीं अंकुर उद्योग लग रहा है, कहीं पे वेबरेज का एक नया कारखाना स्थापित होता हो रहा है, कहीं यहाँ पे पाइप बनाने के कारखाने स्थापित हो रहे हैं, कहीं पे गोरखपुर में डिस्टलरीज लग रही हैं, कहीं पे फर्टिलाइजर कारखाना लग रहा है, कहीं पे अन्य नए कहीं डेयरी स्थापित हो रही है। कल ही 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की एक नई डेयरी का उद्घाटन गोरखपुर में होने जा रहा है। यानी रोजगार का भी की संभावनाओं को बढ़ाता है और आर्थिक रूप से किसानों को, पशुपालकों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास से पूंजी लगा पाएगा, ये कठिन होता है। बैंक जब उसके साथ सहायक बनती है तब ये चीजें तेजी के साथ